बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एनके के एनिमल्स टीवी पे एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हमारे दूध वाले जानवर जिनके दूध की मकदार बहुत कम है, या फिर वो जानवर जिनका पहले दूध ज्यादा था और किसी वजह से दूध की पैदावार में कमी आ गई है, साथ साथ वो जानवर कमजोर भी हो गए हैं, इनका दूध कैसे बढ़ाया जाए, इनकी सेहत कैसे अच्छी की जाए, इनकी कमजोरी कैसे दूर की जाए, इंशाल्लाह ये तमाम मसाइल आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए देसी अजनास से घर पर बंडा तैयार करने का तरीका भी आपसे शेयर करूंगा। तमाम किसान भाइयों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। जानवर के दूध कम कर जाने की बड़ी वजह साफ पानी वाफर मकदार में मैसर न होना होता। कुछ यूं है, हमारे फार्मर जानवर को सायादार जगह पर बांध कर या अपने भानों में कमरों में बंद कर देते हैं, जहाँ जानवर अपनी मर्जी से पानी तक नहीं पहुँच सकता। एक बात जहन में डालें, जानवर पानी पीने के लिए आपका मोहताज नहीं होना चाहिए, वरना आप जितने वनडे साइलेज खिला लें, आप जानवर से दूध की बेहतर पैदावार कभी भी हासिल नहीं कर सकते। अपने जानवर को साफ पानी की फराहमी 24 घंटे के लिए यकीनी बनाएं ताकि उसके दूध में इजाफा हो सके। दूध में इजाफे के लिए वंडा में जो देसी अजनास हमें जरूरत होगी उनकी तफसील कुछ इस तरह से है। मकई आपको चाहिए होगी 45 किलोग्राम, जो या फिर गंदम आपको चाहिए होगी 30 किलोग्राम, जई आपको चाहिए होगी 12 किलोग्राम, ज्वार आप इसमें इस्तेमाल करेंगे 10 किलोग्राम, नमक आपको चाहिए होगा 1 किलोग्राम और सौंफ आपको चाहिए होंगे 2 किलोग्राम। मकई 45 किलोग्राम, जौ या गंदम 30 किलोग्राम, जई 12 किलोग्राम, ज्वार 10 किलोग्राम, नमक 1 किलोग्राम और सौंफ 2 किलोग्राम। अगर इनका दलिया बना लें तो बहुत ही बेहतर होगा। अगर दलिया नहीं बनवा सकते तो ऐसे ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तमाम अजनास को अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लें और अपने दूध वाले जानवर को 3 किलो दूध पर 1 किलो ये खुराक दें। यानी अगर आपके पास जो जानवर 3 किलो दूध दे रहा है उसे 1 किलो दें, जो 6 किलो दूध दे रहा हो उसे 2 किलो खुराक दें। इंशाल्लाह एक हफ्ता बाद जानवर दूध बढ़ाना शुरू कर देगा और इसकी सेहत भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये खुराक सुबह और शाम अगर इस्तेमाल करवाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हमियो नासिर हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।